मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जा रही हूँ जो मुंबई से खाली 2.5 घंटे की दूरी पर है, तो पूना से केवल 1.5 घंटे की दूरी पर है। एक्चुअली आज मैं आपको कोई रिजॉर्ट में नहीं बल्कि वेल प्लान्ड सिटी में ले जा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बी वैली सिटी, 10,000 एकर वेल प्लान्ड हिल सिटी इन लोनावला। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में एम्बी वैली सिटी देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, एकदम सुपर फॉगी हो गया। एम्बी वैली जाने का जो ये रास्ता है वो इतना सूदिंग है, लिटरली इट्स लाइक हेवन में हूँ ऐसा लग रहा है। एकदम सुपर एंड सूदिंग क्लाइमेट है। फीट अबाउ द सी लेवल एम्बी वैली सिटी इंडिया की सबसे पहली वेल प्लान्ड हिल सिटी है। एम्बी वैली सिटी इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल सह्याद्री माउंटेन्स। ये एम्बी वैली सिटी का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर एंट्री उन्हीं को होती है जिन्होंने अंदर कॉटेजेस बुक किए हो, वरना यहाँ से अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आपको चेक इन करना होता है और यहाँ से भी रिसेप्शन से आपके कॉटेजेस 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से टाइप का कॉटेज लिया हुआ है। एम्बी वैली सिटी में अलग अलग टाइप के कॉटेजेस और चैलेट्स अवेलेबल है, जैसे स्पैनिश कॉटेज, सुप्रीम कॉटेज, ऑसी चैलेट्स, ऑसी सूट चैलेट्स, बर्मी चैलेट्स, और यहाँ से सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है कबाना, जिसमें प्राइवेट पूल भी अवेलेबल है। और मैं रही थी यहाँ पे सुप्रीम कॉटेज में। यहाँ पे कॉटेजेस के जो प्राइजेस है वो 7,000 से स्टार्ट होते हैं। Thank you.
अभी मैं आई हूँ सुप्रीम कॉटेजेस में। यहाँ का आप क्लाइमेट और वेदर देख सकते हैं कि कितना सुंदर और ब्यूटीफुल है। मतलब लिटरली आई कैन फील दिस नेचर, आई कैन फील द यू नो हार्ट बीट्स ऑफ नेचर, ऐसा हम कह सकते हैं। इतना सुंदर क्लाइमेट है, इतना सुंदर वेदर है यहाँ पे। तो जस्ट मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ और बहुत ही अभी बज गए हैं कितने, अभी बज गए हैं 7, और 7 को देखिए कितना सुंदर वातावरण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं फोर्ट दिख रहा है कोई तो, और वो जो फोर्ट का साइड का ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फोर्ट है बाहर ऊपर, और वो फोर्ट के साइड पे ग्रीन चद्दर डाला ऐसा लग रहा है बारिश की वजह से, एकदम जो जो मॉस और छोटे छोटे प्लांट्स आए उसकी वजह से। और बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे अभी, बहुत एकदम ठंडा ठंडा है। मैं सोचूँ 7 बजे अगर इतना ठंडी है तो रात को कितना चिल्ड रहेगा यहाँ पे। मतलब लिटरली मेरे को यहाँ पे आके एकदम ऐसा एक अलग से मूड बन गया, एकदम सुपर मूड हो गया। तो एज यूजुअल मैंने घर में यानी रूम में एंट्री कर ली है। बाहर आप देख सकते हैं जोरों से बारिश आ रही है, ऐसा अल्टीमेट मौसम है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो आते हैं और देखिए रूम कैसा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ रूम कैसा है मेरा, ये देखिए जहाँ पे मैं रह रही हूँ, बहुत ही अच्छा और प्रेशियस रूम है ये। पीछे सीन देखने के लिए, व्यू देखने के लिए विंडोज़ दिए गए हैं। अभी रात हो चुकी है इसके लिए अभी बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आपको सुबह दिखाऊंगी वो कैसे दिखता है। पर यहाँ पे ये जो है, मैंने कहा था आपको फोर्ट जैसा कुछ दिखा मुझे, आई डोंट नो प्रॉपरली क्या है वो, पर वो पहाड़ के नीचे है ये होटल। तो इसके लिए आप सोचिए कि कैसा खतरनाक व्यू दिखता रहेगा। अभी फिलहाल खाली इंसेक्ट्स का आवाज़ आ रहा है वो छोड़ के, और कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा है और कोई भी नहीं है यहाँ पे आसपास। तो अगर आपको प्योर सीरेनिटी चाहिए ना, तो एक लग्जरियस स्टे है ये यहाँ पे, एकदम कोई नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि जैसा आपने देखा कि अंदर बहुत अंदर है, मेन काउंटर से भी, मेन रिसेप्शन से भी। इसके लिए हम वो तो अंदर हम गाड़ी से आए थे जो इन होटल कुछ खुद अरेंज करते हैं। तो ये देखिए और ये देखिए बाथरूम, बाथरूम भी बहुत काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। चुका है फ्रेश होने का, बहुत थक गई हूँ सुबह से, बहुत फील घूमी हूँ मैं लोनावला में, बाद में लोनावला से मैं बाद में बुशी डैम होके हुए यहाँ पे आई, बहुत ही गर्दी था वहाँ पे, इसके लिए मैं बुशी डैम और वो जगह पे गई नहीं। तो और बहुत ज़्यादा गर्दी वाला जगह मुझे पसंद नहीं है, सीरिनिटी थोड़ा ज़्यादा पसंद है। सो इसके लिए यहाँ पे आ गई, तो बहुत घूमते घूमते आई तो बहुत थक गई हूँ, तो अभी फ्रेश होंगे। इतना सूदिंग है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइट्स भी बहुत ही कम रखे हैं, जितने मिनिमम रखे हैं, जिससे आप एक प्योर नेचर का मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं और जो ये घर का जो ये इन्होंने डिज़ाइन बनाया है वो भी इतना सुंदर है, मतलब एकदम एंटिक लग रहा है मुझे। इवन घर के बाजू में जो छोटे छोटे क्या कहते हैं उसे रॉक दिख रखे हैं, वो भी इतना नाइसली प्लेस किया है ना, अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे यहाँ के जो छोटे छोटे रॉक भी हैं वो भी एक एंटीक पीस जैसे लग रहे हैं ना। अभी रात को 10 बज चुके हैं और अच्छा फ्रेश होके मैं अभी बाहर आई हूँ, और यहाँ पे इतना सुंदर वातावरण है कि यहाँ पे सब जगह हवा ही हवा है, मतलब लिटरली थंडरस्टॉर्म जैसा यहाँ पे क्लाइमेट है।
बहुत ही सुंदर वातावरण है। फॉग था अभी थोड़ा देर पहले, मैं आपको वो कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो में, पर बहुत ही अच्छा फॉग था यहाँ पे। देखिए 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 कितनी हवा है, मस्त है, एकदम सही क्लाइमेट हो गया है। सीरियसली मतलब लिटरली मतलब मुझे मतलब मैं लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती, इतना सुपर क्लाइमेट है यहाँ पे। सॉलिड हवा है, हवा के साथ साथ फॉग है, बीच में बारिश आ रही है, तो सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जगह एकदम ही सुपर है, और रात को यहाँ पे इतना सूदिंग और कूलिंग है ना कि यहाँ पे आपको आजू बाजू में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं है। आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीरिनिटी का जो माहौल है वो आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप आएँगे तो। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप नाउ, सी यू देन इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुकून मिल रहा है ना, सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एकदम फ्रेश हो गई मैं, तरोताज़ा हो गई हूँ मैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ के पेड़ में भी मेरे को एक ताज़गी दिख रही है, तो सोचिए आपको आके भी यहाँ पे कितनी ताज़गी मिलेगी। इट्स वंडरफुल, इतनी सुंदर जगह है। आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस, आई एम लविंग दिस नेचर, आई एम जस्ट लविंग दिस वर्ल्ड। अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, करने के लिए। अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद में हम पूरा एम्बी वैली सिटी घूमते हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, और यहाँ का जो ब्रेकफास्ट बूफे था वो लिटरली अमेजिंग था, और यहाँ में बहुत सारी वैरायटी थी और टेस्ट भी काफी अच्छा था। यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स पार्क, गो कार्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, घोड़सवारी, फिशिंग, स्केट जोन, गेमिंग जोन, आइलेट स्पा और बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एम्बी वैली सिटी में एक 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स है। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स भी है। तो
ओवरऑल मेरा एम्बी वैली सिटी में स्टेइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, पर यहाँ पे जितना रेट्स वो चार्ज कर रहे हैं वो हिसाब से और भी ज़्यादा वो कुछ दे सकते हैं। और यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा, और वो कंपैरेटिवली वो प्राइस के हिसाब से फूड का जो क्वालिटी है, टेस्ट है, वो इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी मुझे यहाँ का स्टे डिसेंट लगा, क्लोज टू नेचर और सीरीन लगा। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। मेरे वीडियो के थ्रू आपने एम्बी वैली सिटी ज़रूर देखा रहेगा। तो जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।